गुजरात के महाराष्ट्र में 362 किले हैं, अधिकतर किलों की बदहाली हो रही है। दीपावली त्योहार में हर परिसर में अलग अलग किलों की प्रतिकृति बनाई जा रही है। इसी क्रम में महल स्थित किताब मार्केट परिसर में दह सहस्त्र निवास प्रांगण में दुर्ग प्रचंडगढ़ किला यानी तोरनागढ़ किले की प्रतिकृति अजिंक्य जोशी और पुष्कर दह सहस्त्र इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट दुर्ग प्रचंडगढ़ से, आइए देखते हैं। प्रचंडगढ़ यानी तोरना किला, यह किला पूनी जिले के वेलवी गांव में समुद्र तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुणे जिले का सर्वाधिक ऊंचाई वाला किला है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल 16 वर्ष की आयु में जीता और इस किले को जीत कर स्वराज की स्थापना की। यह किला शिवाजी महाराज के प्रिय किलों में से एक है। इस किले को स्वराज की पहली राजधानी रहे राजगढ़ किले का रखवाला भी कहा जाता है। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के ऐतिहासिक तह में अन्य 11 किलो के साथ तोरनागढ़ को स्वयं के पास रखा। सन 1671-72 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर 5000 होन खर्च कर इसे और भी मजबूत किया व इसकी ऊंचाई व विस्तार देख इसका नाम प्रचंडगढ़ रखा गया। छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल में यह किला स्वराज में था। अंग्रेज अधिकारी जेम्स डगलस ने तोरनागढ़ का वर्णन कुछ इस तरह किया है, अगर सिंहगढ़ सिंह की गुफा है तो तोरना गरुड़ का घोंसला है। इससे आप इस किले की ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। यह किला 3 विभागों में बटा है, बाले किला, झुंझारमल माची व बुधला माची, जो कि आज भी डट कर सीना ताने खड़ी है, जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए काफी है। आए दिन भारतवर्ष के कई किलों की बदहाली हुई है, लेकिन अफसोस की सरकार या पुरातत्व विभाग का कतई ध्यान नहीं है। इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की संपत्ति 362 किले है, इसी किलों की जानकारी आने वाले पीढ़ी को मिले, इसीलिए दीपावली में किलों की प्रतिकृति बनाई जाती है। इस प्रतिकृति वाले बनाए गए किलों की जानकारी अजिंक्य जोशी व पुष्कर दह सहस्र इन्होंने BCN समक्ष दी है। नमस्कार, इस समय में BCN की टीम महल परिसर में आई है, जहाँ पे यहाँ के नौजवान साथियों ने दुर्ग प्रचंडगढ़ ये किले का एक प्रतिकृति का निर्माण किया है। आखिरकार क्यों ये निर्माण किया गया है, ये जानने के लिए BCN की टीम यहाँ पर पहुंची है। कुछ नौजवान साथी है जिन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करते हुए इस प्रचंडगढ़, जिसे तोरनागढ़ के नाम से भी ये किला जाना जाता है, उसका निर्माण किया गया है। आइए हम सीधा रुक करते उनके पास और उनसे ये जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है, आप क्या जानकारी देने जा रहे हो? और मेरा सवाल ये था कि जब प्रचंडगढ़, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में किला है जिसे तोरनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये सब जब बनाने समय में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन कौन सा मटेरियल यूज करना पड़ा और कितनी पढ़ाई इसके बारे में की थी आपने? सर्वप्रथम नाव पुष्कर दहास्त्र है। आम्ही हा किल्ला यावर्षी प्रचंडगढ़ आम्ही याची प्रतिकृती साकारली आहे। आम्ही पहिले किल्ला बघून आलो, पुण्यापासून 60 किलोमीटर दूर वेल्ले गावामध्ये हा किल्ला आहे। तोरणा याचं पहिले इथे तोरण्याचे झाडं राहत होते म्हणून वनस्पती आहे तोरण म्हणून, हे तर त्याचे झाडं म्हणून याचं नाव तोरणा पडलं। त्याच्यानंतर महाराजांनी हा किल्ला आपल्याकडे घेतला, त्याचं पूर्ण प्रचंड स्वरूप बघता त्याचं नाव प्रचंडगड असं ठेवलं महाराजांनी। आम्ही पहिले पूर्ण हा किल्ला बघितला, पूर्ण त्याचा अभ्यास केला, त्याचं पूर्ण बारकावे आम्ही पूर्ण तिथं जाणून घेतले, त्याचं पूर्ण वास्तू कशा होत्या, त्याचं गुरुज कुठे आहे, त्याचे दरवाजे किती आहे, त्याचा एकूण पूर्ण परिसर किती आहे, त्याची हाईट म्हणजे उंची किती आहे, असं आम्ही पूर्ण त्याचं जाणून घेतलं। त्याच्यानंतर नागपूरवर आल्यानंतर आम्ही पूर्ण इथे मॅप केलं, त्याच्यानंतर आमच्या पार्किंगमध्ये त्याला फिट केलं। नंतर मग आम्ही पुष्कर हे बघा की कितने दिन का समय लागला इसको बनाने के लिए, कोण कोण सा मटेरियल यूज किया गया है? आम्ही आम्हाला 15 दिवस लागले हा किल्ला साकारताना। आम्ही घर एक पूर्ण टाकाऊ वस्तूपासून आम्ही हा पूर्ण किल्ला केलेला आहे। घरच्या ज्या खराब चादरी आहे त्यांनी हा पूर्ण किल्ला आम्ही साकारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। हे कार्यक्रमाचे उद्देश काय था? म्हणजे आता जी नवीन पिढी आहे, जी मोबाईल गॅजेटमध्ये जी व्यस्त राहते, त्यांना आपल्या महाराजांचा जो इतिहास आहे तो 2 पानामध्ये त्यांना संपून जातो, तर तो त्यांना पूर्ण इतिहास कळावा, त्याच्या पूर्ण इतिहासाबद्दल महाराजांच्या कार्याबद्दल त्यांना पूर्ण माहिती असावी, त्याच्यामुळे आम्ही हे प्रतिकृती साकारतो आम्ही, आणि त्यांना इतिहास महाराजांचा इतिहास आम्ही गाजवतो।
बिल्कुल, जैसे कि पुष्कर ने कहा कि 15 दिन का समय इस प्रचंडगढ़ बनाने में लगा हुआ है, और भी एक नौजवान साथी हमारे साथ में, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है और आप क्या जानकारी दे रहे हो? यूं तो देखा जाए तो कि महाराष्ट्र में 362 ये किले का उपक्रम जारी है। ये किला शिवाजी महाराज ने, इसकी विशेषता ऐसे कि किला शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु में जीता था। यही किला जीत के तोरणा किले का नाम से स्वराज का तोरण बांधा गया था, ऐसा इतिहास है। अजिंक्य, आप बताइए कि जब आप इनके पुणे के शहर के वेलवा गांव में जब आप गए और वहां पे तो यूं तो कई किलों का आपने पढ़ाई की है, क्या लगता है आपको किस प्रकार की वहां की दुरावस्था बनी है? किले अपने आप में क्या, उसकी सुंदरता कितनी बरकरार है या क्या प्रॉब्लम? अभी किले की दुरावस्था ऐसी हुई है कि किले के बुरुज और तटबंदी या दरवाजे है जो अभी टूटने की कगार पर है। दूसरी चीज जो ध्यान में आई है कि प्लास्टिक का कचरा पूरे किले पे, जो पर्यटन के दृष्टि से जो लोग जाते हैं पर्यटन करने, वो अपने साथ जो कचरा ऊपर लेके जाते हैं वो ऊपर ही छोड़ देते हैं। पूरे किले पे अभी कचरे का वास्तव्य जमा है। अजिंक्य, अब सरकार से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि सरकार के तमाम मंत्री ये जो प्रचंडगढ़ की जो निर्माण आपने किया है, प्रतिकृति प्रतीकात्मक जिसको कहा जाता है, इसकी जो प्रतिमा जो बनाई गई है, सरकार को क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करोगे आज के इस प्रचंडगढ़ के इस किले से? इन डिसीजन के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि किले पे जो किले की दुर्वस्था हुई है, कुछ अगले कुछ सालों में ऐसी परिस्थिति ना निर्माण हो जाए कि किला रहे ही नहीं, पूरे उसके दरवाजे टूट जाए, तटबंदी टूट जाए, तो सरकार ने उसे जिस हाल में फिलहाल है उसी में संवर्धन करना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उस पर काम करना चाहिए और जो कुछ प्लास्टिक या जी कचरा जो किले पे जमा है उसको रेगुलर बेसिस पे उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी इस समय में पुष्कर दास असरा और अजिंक्य जोशी इन्होंने दी। इन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे किलों की कितनी बदहाली हो चुकी है, लचर हालत हो चुकी है, अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है आज के महाराष्ट्र के कई किले जिनकी काफ़ी बदहाली हो चुकी है। मगर अफसोस कि सरकार का इस ओर कतई ध्यान नहीं है, ना आर्कियोलॉजी का ध्यान इस ओर है। अगर महाराष्ट्र का ये वैभव, ये प्रॉपर्टी, ये एसेट है, अगर इसका संरक्षण यदि हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ये सवाल अब भी बन के उभर कर सामने आ रहा है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी, क्या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान देगी और इस तरह के इनके जो किले का जो बदहाली हुई है क्या उनका संवर्धन करेंगी, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि पुणे शहर से 60 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले वेलवा गांव में जिस प्रकार से ये जो प्रचंडगढ़ जो है इसकी भी बदहाली हुई है, सरकार ने ध्यान दे और आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास कायम हो रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए इसकी जानकारी मिले। अगर ये कामकाज करना है तो जिस प्रकार से शहर के नौजवान साथी ये किला बनाकर इतिहास को परंपरा इसकी कायम रखते हुए आने वाले लोगों के लिए, नए पीढ़ी के लिए ये जो बात जो बता रहे हैं, सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार माए बाप जो है। महल के प्रचंडगढ़ किले से संजय मीर, BC News, नागपुर।